सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी मोतीसन ज्वेलर्स लिमिटेड को लेकर। मोतीसन ज्वेलर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको 307 रुपए के भाव में क्लोजिंग लेते हुए नजर आया था, बट अभी के टाइम आप लोग देखोगे ये स्टॉक 307 से सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए 78 पैसे के भाव में आया हुआ है। आप लोग कहाँ 307 रुपए प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी, और कहाँ आया हुआ है 30 रुपए के भाव में। तो ऐसा क्या होगा भी जो स्टॉक है वो 307 से 30 रुपए के भाव में, यानी कि लगभग 90% जो शेयर है वो क्रैश हो चुका है। तो 90% टूट चुका है ना, 307 से 30 रुपए के भाव में आ गया है। तो ऐसा क्या होगा इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इसने आपने देखा होगा पीछे 330 रुपए के आसपास का आई थिंक इसने बाउंड्री हाई भी बनाया था भाई। तो 330 रुपए से जो स्टॉक है ये अपने हाई से थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, लेकिन क्या अब ये जो 30 रुपए के भाव में आया है क्या फिर से इसमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ से? क्या स्टॉक फिर से एक जबरदस्त रैली में आएगा? उधर आप लोग देखोगे जो स्टॉक है अभी पीछे मार्केट में गिरावट बनी, लेकिन इस स्टॉक में कुछ बड़ा फॉल नहीं हुआ, स्टॉक नीचे से रिकवरी लेते हुए नजर आया भाई। और रिकवरी भी काफ़ी शानदार इसमें देखने को मिली है। अभी के टाइम देखोगे भी अपने बाउंड्री के लो से लगभग 246% यानी 250% करीब रिटर्न दे चुका है। कल भी स्टॉक में 5% की तेजी थी, लेकिन आज ये लगभग 90% के करीब टूटा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कारण क्या है। तो आज की जो डेट है 8 नवंबर, ये सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज आज के दिन जो कंपनी है वो आपको स्प्लिट देते हुए नजर आ रही है। जो कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया हुआ था 1:10 में किया हुआ था ना, यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो उस एक शेयर के 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे भाई, ठीक है। और आप लोग देखोगे आपके पास 10 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास जो पहले से एक शेयर है वो तो है ही अभी, इसके अलावा 9 शेयर और आपको मिलने चाहिए थे। तो एक शेयर आपने जो पहले से खरीद रखा था वो तो आपके पास है, लेकिन 9 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आए जो स्प्लिट वाले हैं। तो ये स्प्लिट की जगह पर आपको ये 90% का लॉस दिखाई दे रहा है। जैसे ये स्प्लिट शेयर आ जाएंगे ना भाई, तो ये लॉस भी आपका दूर हो जाएगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ये प्राइस का एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये आएंगे कब, ठीक है, तो इसके आने की जो देखो भी 1.5 तारीख टाइम कुछ नहीं होता है इसकी, जो आप लोग देखोगे 102 वीक के अंदर अंदर जो कंपनी है वो कभी भी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर सकती है। ये क्या पता 2 दिन बाद करें, क्या पता आज ही कर दे। तो 1 से 2 वीक में आप लोग देखोगे आपके ये शेयर आ जाएंगे, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसमें क्या आगे एक अच्छी तेजी बन पाएगी नहीं बन पाएगी, पीई रेशो आपको ये डाउन आते हुए नजर है ना, अभी ये जो स्टॉक टूटा उसकी वजह से वो इसके मार्केट कैप भी आ गए नीचे, तो ये इसके अभी जो स्प्लिट हुआ ना इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। इसके पीछे के जो रिजल्ट्स आए हैं सेप्टेम्बर के, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा अभी इसका, रिवेन्यू ग्रोथ भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिली क्वार्टर और ईयर दर ईयर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट्स भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा बनाया अभी क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो प्रॉफिट्स इसका काफ़ी शानदार इंक्रीज होते हुए नजर आया, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट्स भी थे, रिजल्ट्स भी ठीक थे भाई। चलिए एक बार इसका चार्ट देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी जनवरी के आसपास इसका IPO आया था, ठीक है, स्टार्टिंग में दिसंबर के आसपास जनवरी के आसपास, ठीक है, यानी कि लास्ट में आप लोग देखोगे इसका IPO आया था अभी। और इसके IPO आने के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे यहाँ पर इसमें ऊपर से हमें गिरावट देखने को मिली थी पीछे, बट अब यहाँ से एक अच्छी रिकवरी इसमें आने की संभावना बनी हुई है। सपोर्ट की मैं बात करूँ तो भाई देखो करंट लेवल के ऊपर जो हमें सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है वो रहेगा करीब 26 रुपये के आसपास का। और ऊपर में आप लोग देखोगे इसका रेजिस्टेंस बनेगा, पहला टारगेट भी आप लोग बोल सकते हो भी, तो 32 रुपये को ब्रेक करके अगर ये सस्टेन किया तो ये 50 रुपये के आसपास के भी टारगेट हमें दिखा सकता है आगे, ठीक है, जो आएंगे मार्केट में रिकवरी के साथ साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।